डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, यानी कि हमें ऐसा प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल है। सो फॉर दैट फर्स्ट लेट अस एज्यूम to the contrary that root 5 is rational। ठीक है, यानी कि हम उससे उल्टा एज्यूम कर रहे हैं कि root 5 एक रेशनल नंबर है। अभी रेशनल नंबर को तो हम a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो root 5 इज इक्वल्स टू क्या होगा, a by b, where a and b are co-prime। ठीक है, तो यहां पर a और b co-prime है, तो इसका यह मीनिंग है कि इसका HCF highest common factor 1 मिलेगा। एक के अलावा a और b में कोई भी common factor नहीं होगा। ठीक है, तो अभी यहां पर b डिवीजन में है, यहां पर चला जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। सो रूट 5 इंटू बी इज इक्वल्स टू ए। नाउ स्क्वेरिंग बोथ साइड्स, सो रूट 5 इंटू बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर 5, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हियर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो अभी देखिए थ्योरम 1.3 जब हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि कोई भी प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू 5c, where c is some integer। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है a is equals to 5c उसे हम यहां पर लिख देते हैं। सो क्या होगा, 5b square is equals to a की जगह 5c whole square। सो 5b square is equals to 5 का square 25 into c square। अभी देखिए 5 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में। सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। 5 5 इज 25, सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 सी स्क्वायर। सो हम ऐसा यहां पर लिख सकते हैं कि हियर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो देखिए यहां पर ए और बी दोनों 5 से डिविजिबल है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 5। ठीक है, लेकिन हमने यहां पर क्या लिया था कि a और b को प्राइम है, यानी कि उसका HCF 1 मिलेगा। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो तो हमें यहां पर मिल रहा है 5। ठीक है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स
दैट ए एंड बी आर को प्राइम. तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत था. दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन. तो यहां पर हमने एज्यूम क्या किया था कि रूट फाइव रेशनल नंबर है, जो कि गलत है. सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हैंस रूट फाइव इज इरेशनल. ठीक है, तो अभी देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल. यानी कि हमें ऐसा प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इरेशनल है. तो उसके लिए सबसे पहले लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2√5 इज रेशनल. यानी कि हम उसका उल्टा एज्यूम कर रहे हैं कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है. अभी रेशनल नंबर को तो हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू क्या होगा, a बाई बी, वेर a एंड b आर को प्राइम्स. यानी कि a और b का HCF 1 होगा. ठीक है, अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 3 है उसे सामने ले जाता हूं. सो 2√5 इज इक्वल्स टू a बाई बी, 3 यहां पर प्लस है, सामने जाएगा तो माइनस. सो a बाई बी माइनस 3. अभी ये जो 2 है उसे सामने ले जाता हूं, तो 2 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में. सो रूट फाइव इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए बाई बी माइनस 3. ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स 1/2 इंटू ए बाई बी माइनस 3 इज रेशनल. ठीक है, a और b इंटीजर्स है, यानी कि 1/2 इंटू ए बाई बी माइनस 3 रेशनल होगा. अभी देखिए 1/2 इंटू ए बाई बी माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है, रूट फाइव. तो अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा. सो रूट फाइव इज ऑल्सो रेशनल नंबर. ठीक है, लेकिन अभी हमने देखा क्वेश्चन वन में कि रूट फाइव तो क्या है, इरेशनल. सो हम ऐसा लिख सकते हैं, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरेशनल. तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत है. सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन. ठीक है, तो हमने क्या एज्यूम किया था कि 3 + 2√5 रेशनल है, जो कि एक इनकरेक्ट एजम्पशन है. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हैंस 3 + 2√5 इज इरेशनल. ठीक है, तो प्रूव हो गया. अभी देखते हैं क्वेश्चन 3. तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है कि प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स.
फर्स्ट 1/√2, सेकंड 7√5, थर्ड 6+√2, यानी कि हमें इन सभी को इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 3 का फर्स्ट 1/√2, ठीक है, तो 1/√2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए फर्स्ट लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज रेशनल, यानी कि हम उसका उल्टा अज्यूम कर रहे हैं कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है। अभी रेशनल नंबर को तो हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/√2 इज इक्वल्स टू a बाई बी, वेर a एंड b आर को प्राइम्स, ठीक है, यानी कि a और b का एचसीएफ हमें 1 मिलेगा, ठीक है। सो अभी देखिए मैं इसे उल्टा देता हूं, सो 1/√2 क्या क्या हो जाएगा, √2/1 इज इक्वल्स टू b ऊपर, सो b बाय a, √2/1 √2, सो √2 इज इक्वल्स टू b बाय a, ठीक है। तो अभी हम ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, b बाय a इज रेशनल, ठीक है। अभी देखिए b बाय b इज इक्वल्स टू √2 है, तो अगर b बाय a रेशनल नंबर है तो √2 भी रेशनल नंबर होगा, सो √2 इज आल्सो रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.4 √2 तो इरेशनल है, सो बट इन इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.4, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत था, ठीक है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एजम्पशन। तो एज्यूम क्या किया था हमने कि 1/√2 रेशनल है, सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हैंस 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है, समझ आया। तो अभी देखते हैं सेकंड, हमें 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 7√5 इज रेशनल। अभी रेशनल नंबर को तो हम a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं, सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 7√5 इज इक्वल्स टू a by b, वेर a एंड b आर को प्राइम्स, यानी कि a और b का एचसीएफ हमें 1 मिलेगा। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 7 को सामने ले जा रहा हूं, 7 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में, सो √5 इज इक्वल्स टू क्या होगा, a बाय 7b, ठीक है। तो अभी हम ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a बाय 7b इज रेशनल, ठीक है। अभी देखिए a बाय 7b इज इक्वल्स टू क्या है, √5, तो अगर a by 7b रेशनल नंबर है तो √5 भी रेशनल नंबर होगा, सो √5 इज आल्सो रेशनल नंबर। लेकिन अभी देखिए क्वेश्चन 1 में ही हमने प्रूव किया था कि √5 तो इरेशनल है, सो बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया है वो गलत है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एजम्पशन। तो क्या हमने एज्यूम किया था कि 7√5 रेशनल है, जो कि गलत है, हेंस 7√5 इज
इरेशनल, ठीक है। तो अभी देखते हैं थर्ड, हमें 6 प्लस रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है। सो उसके लिए फर्स्ट लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल, ठीक है। यानी कि हम उससे उल्टा एज्यूम कर रहे हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक रेशनल नंबर है। अभी देखिए रेशनल नंबर को तो हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी, वेर a एंड b आर को प्राइम्स। और उसका मीनिंग क्या होता है कि a और b का एचसीएफ हमें 1 मिलेगा, ठीक है। तो अभी देखिए मैं 6 को सामने ले जाता हूं, सो रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी, 6 यहां पर प्लस है, सामने जाएगा तो माइनस, so root 2 is equals to a by b minus 6। तो अभी हम ऐसा लिख सकते हैं कि since a and b are integers, a by b minus 6 is rational। अभी देखिए a by b minus 6 is equals to तो क्या है root 2। so अगर a by b minus 6 rational है तो root 2 भी rational होगा। so रूट टू इज ऑल्सो रेशनल नंबर, लेकिन थियरम 1.4 के हिसाब से रूट टू तो इरेशनल है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल। क्यों? थियरम 1.4 की मदद से हम ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि ये जो एज्यूम किया था वो गलत है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एजम्पशन। तो हमने एज्यूम क्या किया था कि 6 प्लस रूट 2 एक रेशनल है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हेंस 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। So thank you for watching my video and don't forget to subscribe my channel.